हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आप जैसे कि देख पा रहे हैं मेरे पास में काफ़ी सारे माइकोम रिले हैं। और दोस्तों जो ये माइकोम रिले है इसमें अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम आ चुके हैं जिसकी वजह से ये रिले काम नहीं कर पा रहा है। तो देखिए आप ये P111 और P211 और हमारे पास में माइकोम रिले है। और दोस्तों ये माइकोम रिले प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, इसे देखिए आप। कंपनी ने टेस्टेड करके भेजा है रिपेयर करके, मगर ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें डिस्प्ले प्रॉब्लम है दोस्तों। तो इसका डिस्प्ले है ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए इस पर लिख दिया गया है। देखिए फॉल्टी लिखा है, डिस्प्ले प्रॉब्लम। रियाला चेक करेंगे हम, इस पर क्या लिखा है, फॉल्टी पावर सप्लाई प्रॉब्लम नो ऑन, मतलब पावर सप्लाई की प्रॉब्लम है, ये चालू नहीं हो पा रहा है। इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। इसमें भी दोस्तों डिस्प्ले फॉल्टी है, तो इसका डिस्प्ले जो है ये सही काम नहीं कर रहा है। और ये इसको चेक करेंगे, ये दोस्तों नॉट ऑपरेटिंग, मतलब ये सही काम नहीं कर रहा है, ऑपरेट नहीं हो रहा है। इसको चेक करेंगे, इसमें नॉट पावरिंग ऑन, मतलब पावर सप्लाई ऑन नहीं हो रही है इसमें। इसमें सभी में कंपनी ने टेस्टेड ओके करके भेजा है, मगर ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं। ये भी देखिए नॉट पावर सप्लाई ऑन, इसमें भी प्रॉब्लम है, ये चेक करेंगे, ये भी फॉल्टी है। देखिए इसमें भी कुछ डिस्प्ले की प्रॉब्लम है, इसका डिस्प्ले बंद चालू हो रहा है, काफ़ी समय बाद ये ऑन होता है। इसकी पावर सप्लाई की प्रॉब्लम है, इसको चेक करेंगे, फ्लिकरिंग फॉर पावरिंग ऑन, मतलब चालू करते समय फ्लिकरिंग करता है इसका डिस्प्ले, बंद चालू होता है। इसको चेक करेंगे, इसमें भी पावर सप्लाई फॉल्टी है। तो दोस्तों ये काफ़ी सारे अब मेरे पास में है माइकोम रिले है, और दोस्तों इसको हमको रिपेयर करना है। तो इसको दोस्तों रिपेयर करने में काफ़ी वक्त लग जाएगा, फ़िलहाल मैं आपको खाली इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये माइकोम रिले को आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं और इसको आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं कि इस माइकोम रिले को कैसे रिपेयर किया जाता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स मुझे आएंगे तो मैं इस माइकोम रिले पर वीडियो बनाऊँगा। हालांकि पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि इस माइकोम रिले को आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं, मेरे 2 या 3 वीडियो और भी है यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं कि माइकोम रिले कैसे टेस्ट किया जाता है और उसको कैसे रिपेयर किया जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाऊँगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।